अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी शफीक। आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियाट का स्पेशल शो सपोर्ट्स जोन। आज के इस शो में हम जिस मायनाज खिलाड़ी को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, वो वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ खिलाड़ी हैं और उनका नाम है मेहराजुद्दीन वुड्डू साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में दिलचस्पी आपको कब से पैदा हो गई? वेल, जहाँ तक मेरा फुटबॉल का ताल्लुक है, बचपन से ही फुटबॉल का शौक़ था। मेरे वालिद साहब भी फुटबॉल खेलते थे और वो भी यही चाहते थे कि मैं फुटबॉलर बनूं, और घर के करीब एक छोटा सा फील्ड भी था, वहाँ पे हम खेलते थे, सब बच्चे खेलते थे फुटबॉल। और खेलते खेलते अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी हो गया पैदा फुटबॉल का, और दिल में ये ख्वाहिश रही कि फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है। और घर में भी सपोर्ट मिला, डैडी का भी सपोर्ट मिला, वालिदा का भी सपोर्ट मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंच गया। जिस वक्त मेहराज साहब अंडर 21 में आपका सिलेक्शन हुआ, तो उस वक्त आपने अपने करियर में कैसा फील किया? सर, बहुत ही अच्छा मौका था वो, जब हमारी जो अंडर 21 टीम, यहाँ की जो स्टेट की टीम बाहर गई थी खेलने के लिए कर्नाटका, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी प्रोफेशनल क्लब के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ था कि कोई लड़का जो कश्मीर से है, जम्मू एंड कश्मीर से इनफैक्ट, वहाँ से लेके बाहर कोई क्लब में खेलेगा, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मुकाम था और ख़ुशी का मुकाम था। लेकिन वो एक पहल थी वहाँ पे, और वहाँ से और मेहनत करनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत मेहनत की मैंने और बहुत सारे क्लबों में खेला, इनफैक्ट नेशनल टीम में भी उसके बाद में खेला, तो आज ये उसमें जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ। आज आपके अगर घर की बात करेंगे तो आपके वालिद साहब मोहम्मद सुल्तान वुड्डू साहब, जो जिन्होंने संतोष ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट किया जेएनके की तरफ से, जाहिर सी बात है आपको घर से ही इस चीज़ की ज़्यादा परवरिश मिली कि आप फुटबॉल की ओर माइल हो जाओ। जिस वक्त आपने अपने बाप को मोहम्मद सुल्तान वुड्डू साहब को फॉलो किया, तो आप उस वक्त अपने कैरियर को लेके किस तरह की आपने इकदाम उठाई अपने कैरियर को लेके? मेरे वालिद साहब जो फुटबॉल खेलते थे, जब मैं 9 साल का था तो तब वो फुटबॉल खेल ही रहे थे, इनफैक्ट वो प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेलते थे, स्टेट टीम में नहीं खेले थे, लेकिन मोहल्ले में वो फुटबॉल खेलते ही थे, वो प्रैक्टिस करते थे, और वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस जाऊँ, और मैं जाता था उनके साथ प्रैक्टिस। वो मुझे वहाँ पे कोचिंग करते थे, और वहाँ पे बड़े बड़े लड़के थे, वो भी मुझे सिखाते थे फुटबॉल। आपके जो ये एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, उनमें से जितने भी क्लब्स हैं उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेली, आपको क्या लगा उस टाइम, कौन सा तजुर्बा लेकर आप उस टाइम अपने लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे थे? वेल, देखिए, जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया, मैंने रैनावारी में स्टार्ट किया, वहाँ पे तो कोई क्लब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर सकता था, और मैं ऐसे बच्चों के साथ खेलता था, कभी कभी बड़ों के साथ खेलता था, कभी वालिद साहब के साथ खेलता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया 1996 में, मेरे वालिद साहब ने बोला कि नहीं, आप अभी आप कोई क्लब के साथ प्रैक्टिस करो, तो फिर उन्होंने मुझे लेके गए मुझे SP कॉलेज, वहाँ पर इकबाल स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहाँ पर बशीर अहमद मलिक थे, उन्होंने वहाँ पे कोचिंग की, कम से कम 2 साल पे वहाँ पे खेला मैं बशीर अहमद मलिक के अंडर में, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स भी थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, तो वहाँ से एक्चुअली मेरा जो सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ, इकबाल स्पोर्ट्स से। वहाँ पे मैंने थोड़ा सीखा, अच्छा, मतलब थोड़ी मेहनत की और वहाँ पे सीखा फुटबॉल, और वहाँ से चलते चले मैंने स्टेट लीग्स भी खेले, स्टेट लीग्स मतलब यहाँ के जो लीग है वहाँ पे उनमें पार्टिसिपेट किया, या मुश्ताक मेमोरियल टूर्नामेंट होता था वहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेट किया, और एक एक्सपोजर मिला, एक एक्सपीरियंस हुई, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना। उस चीज़ को लेकर आप कितने एक्साइटेड रहे कि लोग आपको दूर दूर से देखने आते थे, चाहे सोपोर हो, बारामूला हो, या पूरा साउथ कश्मीर हो, जहाँ भी आपका मैच, उस इलाके में बात कर रहा हूँ, जब आपका मैच वहाँ पर किसी जगह होता था तो लोगों को ये पता था कि वहाँ मेहराज साहब खेल रहे हैं, तो एक भीड़ उमड़ पड़ती थी वहाँ पर आपको देखने के लिए, तो कैसा फील कर रहे थे आप उस टाइम, क्योंकि लोगों ने आपको लाइन के नाम से पुकारना शुरू किया? वेल, ये एक अच्छी बात होती है और फ़ख्र की बात है एक फ़ुटबॉलर के लिए, कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो कहीं पे जाता है और लोग उसको देखने के लिए आता है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता वो। फुटबॉल अगर खेली जाती है, अगर कोई गेम खेली जाती है, और वो इस वजह से है कि जब सपोर्टर आते हैं, फ़ैन्स आते हैं, अगर फ़ैन्स नहीं आएँगे, सपोर्टर्स नहीं आएँगे, तो वो कोई भी गेम उसमें मज़ा नहीं होगा। तो यकीनन जब मैं कहीं जगह पर जाता हूँ या खेलता था,
लोग आते थे, बहुत अच्छा लगता था और अच्छा मतलब फील होता था कि नहीं मतलब कोई मुकाम पे पहुंच गया है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये प्लेयर है और अच्छा खेले, और उसमें काफ़ी मेहनत भी प्लेयर को करनी पड़ती है बाद में, क्योंकि जब लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और प्लेयर भी फिर उससे उसी हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करना चाहता है। तो मेरा सब कश्मीर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपने फुटबॉल खेलना इन्जॉय किया, जहाँ आपको जहाँ आपने अपने आपको अच्छा कम्फर्टेबल भी फील किया और लोगों का प्यार भी आपको वहाँ ज़्यादा मिला, ऐसी कौन सी जगह है, किसी एक आध जगह का नाम लीजिए। ऐसी जगह का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों में खेला है, गांव-गांव में मैं गया हूं और ज़्यादातर मैंने फुटबॉल श्रीनगर में ही खेला और यहां पे लोग बहुत आते थे खेलने के लिए। और रिसेंटली मैं अभी हम लोग सोपोर गए पिछले महीने, वहां पे हमने एक मैच खेला, वहां पे कम से कम 10,000 लोग आए थे मैच देखने के लिए और वो मैच बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें काफ़ी जो हमारे कश्मीर के बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छी फीलिंग होती है जब सपोर्टर्स आते हैं मैच देखने के लिए और वो अपने फुटबॉलर्स को देखने के लिए आते हैं। और एक फुटबॉलर के लिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ख्र की बात होती है जब वो फुटबॉल खेलता है और उसको लोग देखने के लिए आ जाते हैं। मेरा साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने नेहरू कप खेला तो आपने वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और एक स्ट्राइकर के तौर पर वहाँ आप उभरे, तो जब आप वापस वहाँ यहाँ अपने वतन कश्मीर पहुँचे तो यहाँ आपका कैसा इस्तकबाल हुआ? बहुत ही अच्छा। जब मैंने नेहरू कप खेला, उससे पहले मैंने कई कप्स खेले थे, उससे पहले मैंने सैफ कप खेला था पाकिस्तान में, और जैसे हम लोग वो नेहरू कप जीते पूरे मतलब कंट्री में फुटबॉल टीम का जो मैार है वो काफ़ी बढ़ गया और फुटबॉल काफ़ी अच्छे से लोग देखने के लिए आए उसके बाद। और जैसे मैं कश्मीर वापस आया, यहाँ भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, हालांकि गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं, शायकीन हैं, फुटबॉल क्लब्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। हालाँकि मुझे याद है जब मैं एशिया कप खेल के आया 2011 में, मैं कतर से खेल के आया, तो लोग मेरे इस्तकबाल करने के लिए तो एयरपोर्ट में चले आए थे, तो वहाँ से मुझे लेके गए, फिर वहाँ पे एक होटल में लेके गए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छी बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है एक फुटबॉलर के लिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन के लिए। मेरा साहब, जब आपने सैफ कप खेला 2005 दिसंबर में कराची में बांग्लादेश के खिलाफ था, लास्ट मोमेंट में आपने थ्रिलिंग गोल किया, वो अभी भी हमारे शायकीन को वो गोल अभी भी याद होगा, अभी भी यूट्यूब अगर वो चेक कर रहे होंगे तो वो गोल उनके जहन में अभी तक गूंज रहा होगा। कैसा मोमेंट था वो, कौन सी फीलिंग थी आपकी उस टाइम, क्योंकि आपने वो वाहिद गोल किया जिसकी मतलब डेस्परेट नीड थी आपकी टीम को उस टाइम। वेल, बहुत ही अच्छा गोल था वो और बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए वो पहला इंटरनेशनल टूर था पाकिस्तान का और पहली ट्रॉफी मिली मुझे एज इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ पे, और मैंने जो गोल किया वो यकीनन पहला गोल था, लेकिन उसके बाद भाईचुंग भूटिया ने भी उस मैच में गोल मारा और हमने 2-0 से वो गोल 2-0 से वो मैच जीता बांग्लादेश के खिलाफ और सैफ कप हमने हासिल किया। मेरा साहब, जब आप इटली गए तो वहाँ आप बड़े प्रोमिनेंट खिलाड़ियों से आप मिले, जैसे मार्को मेल्ट्रीजी हो गया, जैसे ब्राज़ील का इलिनो ब्लूमो हो गया, उनके साथ खेलकर आपको इटली में कैसा तजुर्बा मिल गया? वेल, वो जो हमारे दुनिया है वो सबसे बड़े खिलाड़ी मतलब सबसे स्टार्स माने जाते हैं, उन्हें वर्ल्ड स्टार्स माने जाते हैं, और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ फील्ड में खेलना एक खिलाड़ी के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सीज़न भी अच्छा रहा, वो टूर भी अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने उन मार्को मट्राजी के अंडर खेला या इलानों के साथ खेला, तो उस टाइम हम लोग चैम्पियन हो गए ISL के, तो वो भी एक बहुत अच्छा सीज़न रहा मेरे लिए। और उसके बाद काफ़ी सीज़न मैंने ISL के खेले जिसमें मैंने और बड़े स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, और एक प्लेयर के लिए फ़ख्र की बात होती है, मैं एक कश्मीर का खिलाड़ी और वो पूरे मतलब वर्ल्ड फेमस प्लेयर्स, वर्ल्ड फेमस स्टार्स, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ पीना और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, और ये इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक खिलाड़ी जो कश्मीर का है वो कुछ मांग सकता है। मेरा सब यूरोपियन कंट्री आपने ट्रेवल किया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कितना फ़र्क लगा? आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमसे मुझे लगता है कि बहुत 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 आगे है, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा मुझे नहीं लगता है कि हम उसको किसी के उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि जो हमारी कोशिश अभी रही है गवर्नमेंट की, यहाँ पे फील्ड्स बन रहे हैं या इंडोर फील्ड्स बन रहे हैं, फुटबॉल फील्ड्स बन रहे हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, एक अच्छी कोशिश है यहाँ पे भी। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे
तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है जो कश्मीर का और यूरोप का फुटबॉल है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि काम हो रहा है यहाँ पे, अगर इस तरीके से काम होगा तो आने वाले वक्त में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। एज ए कोच और एज ए प्लेयर में किस तरह का आपको फ़र्क लगा? एज ए कोच आप ज़्यादा इंजॉय किया आपने या एज ए प्लेयर आपने ज़्यादा इंजॉय किया? वेल, दोनों बहुत डिफरेंट चैप्टर्स है। जब एक प्लेयर होता है तब उसकी अलग ज़िंदगी होती है, अलग उसकी लाइफ होती है। लेकिन कोच एज ए कोच टोटली डिफरेंट लाइफ है, टोटली डिफरेंट फील्ड है, क्योंकि आप अब एज कोच बन गए हो, आपको एक टीम को कोचिंग करनी है, आपके पास 30 प्लेयर है, 30 प्लेयर को आपको मैनेज करना है, वो डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन जब मैं खेलता था मैंने तब भी इन्जॉय किया, और अभी एज कोच 3-4 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ और मैं ये कोचिंग भी इन्जॉय कर रहा हूँ, और इसमें मुझे अभी बहुत सीखना है, क्योंकि कोचिंग कभी पूरी, मतलब इंसान कभी पूरा सीख नहीं सकता है। हर दिन इसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश यही कर रहा हूँ हमेशा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखूँ और इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ। मेरा हिसाब ने यहाँ तक पहुँचने में लाइफ में किस तरह का स्ट्रगल किया? वेल, स्ट्रगल तो है ही, स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि मैं एक पोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जब आप मिडिल क्लास फैमिली में होते हो तब आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हो, घर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं भी एक ऐसा खिलाड़ी था जिसका जो फैमिली बैकग्राउंड था इतना पॉश नहीं था, इतना हाई नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी, क्योंकि वालिद साहब भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, और जैसे आप देखते हैं फुटबॉलर्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें शूज़ ख़रीदने पड़ते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें खाना भी अच्छा खाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, और जब हम स्टेट के बाहर जाते हैं उसमें और ज़्यादा पैसे लग जाते थे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। और स्टडीज़ को छोड़ना पड़ता है, स्टडीज़, क्योंकि जब आप स्टडी भी करते हो और आप फुटबॉल भी खेलते हो, और जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तब आपको चूज़ करना पड़ता है फ़ुटबॉल खेलें या एग्ज़ाम्स, उस टाइम में आपको किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और जिस जो मेरी लाइफ की स्ट्रगल बनी है। और सबसे अहम स्ट्रगल ये है कि जब आप अपनी फैमिली से बाहर रहते हो, क्योंकि आप एक कश्मीरी हो, हमारा फैमिली के से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम फैमिली के साथ मिले होते हैं, और अब जब हम कश्मीर के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अकेले रहना, अकेले खाना, और अपनी फैमिली को मिस करना, और उन हालातों में वहाँ पे खेलना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहती है, और मेरी भी बहुत स्ट्रगल रही है। मेरा साहब, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ प्लेग्राउंड ऐसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। एक ऐसा वाहिद ग्राउंड है यहाँ पर जो एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर बनाई गई है, मैं अपने कैमरामैन से इसका व्यू पूरा दिखा, इससे कहूँगा कि इसका पूरा व्यू दिखाए, जो ये टर्फ यहाँ पर बनी है, ऐसे टर्फ, ऐसे प्लेग्राउंड्स वादी के बेशतर इलाकों में देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? आज की आप हालत देखोगे हमारे ग्राउंड्स की, कहीं पे भी आप जाओ सिवाय इस ग्राउंड के, एस्ट्रोटर्फ जो यहाँ पे है, इसका तो इसको ज़्यादा मेंटेन करना नहीं पड़ता, ये एक बार लग गई तो फिर कहीं सालों चल जाती है। लेकिन जो हमारे जो नेचुरल फील्ड है, नेचुरल ग्रासी फील्ड है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो ठीक से हुई नहीं है। यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको सर, 2014 में उमर अब्दुल्ला की क़यादत में ये ग्राउंड ज़ेर तामीर हुआ, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि किसी और जगह पर इस तरह का कोई प्लेग्राउंड नहीं बना? इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इस वक्त बड़ी एकेडमी चल रही है बाहर के मुल्कों में, यहाँ जम्मू से बाहर की, अगर स्टेट से बाहर की बात करेंगे हम, बहुत सारी जगहों पर एकेडमी चल रही है और टर्फ्स वगैरह बनाए गए हैं, इस जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर ऐसा माहौल देखने को क्यों नहीं मिल रहा है वडू साहब? वेल, देखिए, ये तो सबसे पहले बात जाएगी गवर्नमेंट के लिए, तो जो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, तो ये ऐसी जहाँ यहाँ पे टर्फ बनी है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं बनी? हालांकि बननी चाहिए, क्योंकि जो श्रीनगर में डिज़र्व करते हैं वही बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की पाइपलाइन में ऐसे प्लान्स अभी है, क्योंकि हंदवारा में एक टर्फ लगने वाली है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली सुना है हंदवारा में एक टर्फ लगेगी, और कहीं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी टर्फ लगने वाली है जो गवर्नमेंट के प्लान्स में है, लेकिन अभी तक जो लगी नहीं है वो, मतलब मुझे लगता है कि दुख की बात है। और जो अगर हम इन टर्फ्स को छोड़ेंगे, इन टर्फ्स को छोड़ के हमारे पास ग्रासी ग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और उनकी मेंटेनेंस भी मुझे लगता है कि उतनी ज़रूरी है जितना कि इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता है मेराजुद्दीन वुड्डू साहब जैसे खिलाड़ी, परवेज़ रसूल जैसे, अहमद बांडे, वसीम रज़ा, या जितने भी इस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्तलिफ खेलों में,
तो इनसे हमें ये उम्मीद की जा रही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से जाके उनको कन्विंस करे कि हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो क्या सोचा है आप लोगों ने, इन फ्यूचर आप इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन से बात करोगे, इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होगी हमें, इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ सर? वेल देखिए, हम जब भी हमें मौका मिलता हम बात करते ही करते हैं, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है या कोई मिनिस्टर आता है तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से उनको कन्विंस करें इस बारे में कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर बनाने के लिए। हालांकि बस ये फिर गवर्नमेंट की कॉल रहती है, वो किस तरीके से उनके अपने प्लान्स होते हैं, उनको कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे कहाँ कहाँ पे उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैसे उनको शक्ल में लाना है, तो वो एक मसला है। और वो मसले फिर वो चीज़ें फिर गवर्नमेंट में रहती है, फिर वहाँ से मुझे लगता है कि जहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है थोड़ी सी स्लो मोशन में वो चीज़ें चल रही है। क्या मेरा हिसाब जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के रबते में रहता है इन चीज़ों को देखने के लिए? वेल, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन एक अलग इदारा है, उनका काम है फुटबॉल चलाना, जो हालांकि वो मेरे से थोड़ा हटके ही है क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे फुटबॉल बच्चों को सिखाना और उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है वो उनका अलग एक अलग सब्जेक्ट है, उनको उस पर काम करना है। लोगों को ये भी तवक्का है आपसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक एकेडमी होनी चाहिए इन जैसे युवाओं के लिए, तो उसके लिए मेरा साहब ने क्या सोचा है? देखिए, एकेडमीज़ तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में होनी ही होनी है। अगर यहाँ पे श्रीनगर में बच्चे ट्रेन करेंगे और कहीं ज़्यादा बच्चे हमको गांव-गांव में भी है जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास पोटेंशियल है और उनके पास फुटबॉल पहुँचता नहीं क्योंकि वहाँ पे अच्छे कोचेज नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। हालाँकि यही कोशिश होनी चाहिए हम सब की कि जो यहाँ पे श्रीनगर में जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वही फैसिलिटी हम हर कोई डिस्ट्रिक्ट में करें, क्योंकि जहाँ हमको श्रीनगर से फुटबॉलर्स निकले वही फुटबॉलर्स हमको वैसे ही फुटबॉलर्स हमको डिस्ट्रिक्ट्स में भी निकले। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड होते हैं बाद में बजट के ऊपर। अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तभी ये चीज़ें आपको ये चीज़ें आपको सामने आएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, तब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। मेरा साहब, यहाँ की यूथ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ का जो यूथ है या तो वो आजकल डिप्रेशन का शिकार है या आए दिन आप ये भी देखते हो कि अंडर एज के लड़के, चाहे वो 19 साल के हो, 20 साल के हो, खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं। तो क्या वजह है, उनमें इतना डिप्रेशन क्यों है जबकि उनके पास इस तरह का क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे गेम हैं, तो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं वो? क्या वजह है, क्या गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, यही वजह है उनके डिप्रेशन का या कुछ और वजह है? वेल देखिए, ये बहुत ही दुखी बात है जो हमारी यूथ है ऐसे कदम उठाती है और ऐसी चीज़ें करती है, जैसे कि आपने बताया कि खुदकुशी का मामले आ जाते हैं साथ में, या आप देखते हैं कि बहुत सारे यूथ हमारी जो है वो ड्रग्स के करीब जा रही है। बस हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स, अगर हर मोहल्ले में हर गली में स्पोर्ट्स होगा तो मुझे लगता है कि वो बच्चे भी इसमें एंगेज हो जाएंगे। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से हम जो पूरी हमारी यूथ है उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ें, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स के साथ रहोगे आप वो उन चीज़ों से, आप यकीनन 100% आप उन चीज़ों से दूर रहोगे। चाहे मेरा हिसाब का अपना फेवरेट खिलाड़ी, एक तो आप उसका नाम बताइए और दूसरा आप अब तक का जो रिजॉइसेबल मोमेंट आपकी लाइफ में रहा वो थोड़े से अल्फाज में बयान कीजिए। देखिए, जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है वो रोनाल्डिन्हो है, जो ब्राज़ील का खिलाड़ी था, वो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, वो बहुत बड़ा प्लेयर रहा है अपने, अभी हालांकि अभी नहीं खेल रहा है, वो मेरा फेवरेट रहा है। और मेरा सबसे अच्छा मोमेंट जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है वो मेरा जब पाकिस्तान में जब गया था इंटरनेशनल टीम के साथ और जो मैंने वो गोल मारा था बांग्लादेश के खिलाफ और हमने वो ट्रॉफी जीती थी, वो अभी तक का सबसे अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। आप हमारे यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हो ताकि वो इन ड्रग्स वगैरह से दूर रहे और खेल की तरफ माइल हो, क्या पैगाम देना चाहते हो, क्योंकि आपको इस वक्त पूरा वर्ल्ड देख रहा है? देखिए, यूथ के लिए यही पैगाम हमेशा रहता है कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुटबॉल खेलें या क्रिकेट खेलें, बहुत सारी स्पोर्ट्स, बहुत सारी गेम्स ऐसी है जो आप खेल सकती हो। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्लेयर्स, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ एंगेज करें। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और अपने जो बच्चे रहते हैं वो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं और जिसकी वजह से वो बच्चे भी बहुत लेज़ी बन जाते हैं, वो बाहर खेलने के लिए नहीं जाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम बाहर होते थे और पेरेंट हमको बोलते थे घर अंदर आ जाओ,
अभी आज हम ऐसा वक्त आ गया कि बच्चे घर में रहते हैं और बोलते हैं उनको कि बाहर चले जाओ। मुझे लगता है कि वही दौर अच्छा था कि हम बाहर रहते थे, ज़्यादा खेल के साथ मसरूफ़ रहते थे और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए। आगे का प्लान आपने क्या सेट किया है, कौन सा गोल अभी आपने सेट करना है आपके लिए कि आने वाले टाइम में आपको अपना प्लान किस तरह तरतीब देना है? देखिए, अभी तो कोविड जो 19 का जो मसला है पूरी जो दुनिया है इसके ऊपर उसके चलते रुक गई है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहीं कहीं जगह पे गवर्नमेंट ने जो है वो अलाउ की है और उसमें भी जब अलाउ की है तो उसमें भी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं और अभी हालांकि 100% स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहीं पे भी खुली नहीं है और इसी जिसकी वजह से मेरा प्लान भी अभी रुका हुआ है और इंशाल्लाह जब ये कोविड-19 का मसला हल हो जाएगा तो उसके बाद यकीनन मेरा प्लान जो होगा वो बाहर जाने का होगा यार, इन बच्चों को और इनके साथ और इन्वॉल्व होने का और ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का और जहाँ पे मैं और ज़्यादा बच्चों को सिखाऊं और वहाँ से जो बच्चे हैं वो वहाँ से कोई भी अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, उसको यहाँ पे श्रीनगर में लेके आ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको और कामयाब करे। जी, अपने मेज़बान काजी शफीक को आज के प्रोग्राम से रुखसत, तो मिलते हैं अगले संडे किसी और प्रोमिनेंट फिगर के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।